असलम दोस्तों मैं हूं हुराना बुबकर जहीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इलेक्शन की तरफ जोर डालने की कोशिश की तो हुकूमत ने उनकी ताकतों को कम करने की कोशिशें की लोअर हाउस जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं वहां पर तो ये कोशिश कामयाब हो गई लेकिन क्या ये तरमीम की जा सकती है कि जो सो मोटी होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इतना ज़्यादा इख्तियार है उसको कम किया जा सकेगा या नहीं इस पर डायरेक्टली किन किन लोगों को फायदे हो रहे हैं इस पर मैं सबसे पहला नाम लूंगा नवाज शरीफ साहब को डायरेक्ट फायदा होगा क्योंकि उनके खिलाफ जो सो मोटिव हुआ था फिर वो अपील कर सकते हैं ये सारे मामला हुए क्या है क्या हुकूमत ने कैसे इस बिल को पेश किया बिल में क्या ये बिल पास हो सकता है अभी तो हुकूमत की तरफ से खुशियां मनाई जा रही हैं कि ये बिल लोअर हाउस में पास हो गया लेकिन जब आर्टिकल में चेंज करने की बात आए तो बिल को दोनों हाउसेज में पास होना चाहिए लोअर हाउस और अपर हाउस ये दोनों में आज आपको समझाऊंगा इसी पर बात करते हैं और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन की डेट अभी तक फिर नहीं आई फिर दोबारा जजेस बैठे फिर सारे मामला हुए इलेक्शन कमीशन को दोबारा कह दिया गया कि आपने फुल प्लान के साथ दोबारा आइएगा अटॉर्नी जनरल की क्या बात हुई जो बेंच बनाया था उसकी क्या बात हुई चीफ जस्टिस को क्या इख्तियार देना ठीक है नहीं ठीक क्या मामला है इस पर भी बात करेंगे और तीसरा इमरान खान की आज सारे बात हुई जो एक्स जो जजेस थे सेशन कोर्ट के उनकी बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात हुई उन्होंने क्या तजवीज़ पेश की उनके खिलाफ क्या बात हुई हुकूमत के खिलाफ क्या बात हुई हकूमत के हमायत में क्या बात हुई इसी पर भी बात करते हैं और हुकूमत के बारे में भी थोड़ी सी आउटलाइन ले लेंगे कि हुकूमत क्या चलाई जा रही है सबसे पहले हम बात करते हैं जो आर्टिकल 184 की जो शिक है तीन नंबर उसको आगे से चेंज करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तारीख में पहले यह होता था कि जब कोई सो मोटी होता है जो चीफ जस्टिस की तरफ से लिया जाता है किसी पर भी चीज़ पर एक्शन लेने को कहते हैं ये अगर चीज नहीं ठीक चल रही तो इस पर एक्शन लिया जाएगा अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्शन ले ले तो उसकी अपील भी नहीं कोई कर सकता ये चीज़ें पहले होती थी जिसमें नवाज शरीफ साहब का केस था उस पर तरमीम करने की भी बात की गई थी कल शिबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हाउसिंग हाउस में आकर यह बात कही थी नेशनल असेंबली के हाउस में आकर ये बात कही थी उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इतनी पावर नहीं देनी चाहिए इतनी पावर देने से क्या होगा है कि एक दारे की जो क्रेडिबिलिटी है ना वो खत्म हो जाएगी इसी पर भी बात करते हैं क्या कि उनको पावर देनी चाहिए उसके बरक्स क्या चीज आई है अब इसका जो ऊपर से सारा का सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है ना वो रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस को इतनी पावर ना दी जाए पावर देने के बाद जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो स्टोरी क्या है कि किस किस को रिलीफ मिलेगा उसमें जहांगीर तरीन भी हैं उसमें नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट भी हैं अगर इनको रिलीफ मिल जाता है तो नवाज शरीफ पर फिर वो पाबंदी भी खत्म हो जाएगी नवाज शरीफ नए इलेक्शंस भी लड़ सकते हैं नवाज शरीफ चौथी बार प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल भी हो सकते हैं ये सारा का सारा प्लान तैयार किया जा रहा है लेकिन ये प्लान इतना आसान नहीं है क्योंकि जमहूरियत है जमहूरियत में फिर हर्डल्स तो आती हैं ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं जमहूरी पाकिस्तान है इस्लामी जमहूरिय पाकिस्तान है यहाँ पर एक पूरे के पूरे एक सेटअप के थ्रू काम होता है नेशनल असम्बली में जब ये बिल पेश किया गया वन एटी फोर आर्टिकल है उसमें यह कहा गया है कि इसकी जो इसमें तरमीम की जाएगी इसमें पहले तो पी डी एम की तरफ से बिल पेश किया गया उसमें मोहसिन तारड़ साहब हैं उनकी तरफ से इसमें तरमीम करने की हमायत भी की गई उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके इख्तियारम कर दिया जाए

जो बनने के बाद सालों बाद पता लगा जी कि अच्छा ये बना ही गलत है जिसमें काफी लोग बेघर हुए किसी कोई बिल्डर ने वापस पैसे नहीं किए वो भी चीज जस्टिस की तरफ से सो मोटो था लेकिन अब ये कहा गया है कि अब लोगों को हमायत हो सकती है कि तीस दिन के बाद वो सो मोटो ले जो वो अगर सो मोटो लेते हैं सो मोटो भी लेने का एक तरीका कार होगा उसमें वो सीनियर जजेस से रबता करेंगे उनसे उनसे थोड़ी सी वो करेंगे आपस में बात करेंगे और बात करने के बाद वो कहेंगे कि अच्छा मैंने इस पर सोर मोटो लेना है जिस तरह के आर्मी में होता है जब भी कभी कोई मार्शल लगने की कोशिश की जाती है ये डार्क ट्रूथ है तो पूरे के पूरे जर्नेल्स बैठते हैं फिर उसमें वोटिंग करवाई जाती है कि अच्छा अब मार्शाला लगाया जाए नहीं लगाया जाए तो फिर अगर हमायत है ज्यादा तो मार्शाला जाता था लेकिन उसमें भी जो नंबर जर्नल होता था उसकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी मानी जाती थी वो जो कहता था अक्सर वैसा ही होता है उसके खिलाफ कोई कोई नहीं जाता इस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी ताकतों को कम करने की कोशिश की गई है अब जिस पर इमरान खान साहब का भी कल वीडियो कॉल पर उन्होंने सारे का सारा किया था उन्होंने भी इस बात की कही थी कि उन्नीस में भी जब शरीफ खानदान के खिलाफ एक फैसला आना था तो वो जो जज था उसके खिलाफ बाकी जजों को इन्होंने खरीदा ये इमरान खान साहब ने कहा है बाकी जजों को इन्होंने खरीदा और ख़रीद कर उस जज को हटा दिया अब ये यही कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को दोबारा पाकिस्तान की सियासत में लाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं चीफ जस्टिस की पावर को कम कर रहे हैं जैसे ही पावर कम होगी क्या होगा कि दोबारा वो अपील कर सकते हैं अपील किस चीज़ की कर सकते हैं

चाहे वो इमरान खान का हो आ, आ, सारी टेन्योर हो या नवाज शरीफ की हो या पीपल्स पार्टी की हो एक बंदे के पास इतनी पावर होनी नहीं चाहिए जब एक बंदे के पास पावर होती है ना तो नीचे वाले सिस्टम को देखना मुश्किल हो जाता है आप दुनिया के तरक्की याफ्तः मुल्कों में चले जाएं सब ऐसे डिवाइडिंग हुई हुई है चीज़ों की कि पूरी की पूरी कैबिनेट मिलके के एक, एक डिसीजन बनाती है लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हुआ वो एक बाईस करोड़ का आदमी है बाईस करोड़ की आवाम है तो एक जरनेल आता है और मार्शा लगा रहता है तो वो एक नुकसान होता है पाकिस्तान में लेकिन इसमें क्या मैं आपको तरमीम बताता हूं ये लोअर हाउस में पाकिस्तान में दो ओसिस होते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस लोअर हाउस होता है एमएनएस का जिसमें पाकिस्तान में तीन सीटें हैं जिसमें अक्सरियत के साथ अभी पीडीएम की गवर्नमेंट बैठी हुई है इसमें कोई शक नहीं इन्होंने ये बिल पास कर दिया उसमें तरमीम हो गई 184 आर्टिकल के थर्ड तरमीम कर दी गई अभी भी ये बिल हाउस में पास हुआ है, लेकिन जब ये तर्म, जब ये, ये इस पे अमल दरामद कब होगा इस बिल पे, चीफ जस्टिस की ताकत को कम कब किया जाएगा जब यह अपर हाउस में पास होगा अगर इस बिल की हमायत करती है पीटीआई पीटीआई ने हमायत करने से इनकार कर दिया वो तो कल ही पता लग गया था इमरान खान के बयान से लेकिन अगर इसकी हमायत करती है तो यह बिल पास हो जाएगा और चीफ जस्टिस की पावर को कम कर दिया जाएगा इसमें तो कोई शक नहीं लेकिन अगर यह बिल रिजेक्ट होता है और पीटीआई की अपर हाउस जिसको हम सेनेट कहते हैं उसमें पीटीआई की अक्सरियत ज्यादा है ज्यादा तकरीबन पच्चीस सीटें तो जर्नल इनके पास है चार वैसे हैं और एक तक, तकरीबन इनके पास तीस सीटें तो वहां से इन्होंने वो नहीं दिया वो इस्तीफा नहीं दिया चेयरमैन भी इनका अपना है सारे मामला हैं तीस सीटें जो है ना वो इनके पास अपनी है जिसमें वो अक्सरियत जो इसमें मिला मलू के वो सारे मामला कर सकते सैंतालीस तो थी इनके पास पहले से जब वो मामला हुआ था चेयर में वो इस्लामाबाद के वो जिसमें हार यूसुफ रजा गलानी जीते थे और ये सारे मामला हुए थे उसमें जो करप्शन का इल्ज़ाम और ये सारे मामला थे वो सारे मामला हुए थे उसमें क्या हुआ था यूसफ रज़ा गलानी ने जब जिन पर इल्ज़ाम लगाया था यूसफ रजा गलानी साहब पर कि जिन्होंने वोट खरीदे वो हारे जीते वो एक अलीहदा मामला था उस पर इनको तकरीबन वहां पर वोटिंग होगी सैनिट में भी वोटिंग होगी वहां पर पीटीआई अपने हमायतियों को बिठाएगी और हमायतियों को कहेगी कि इस बिल को पास नहीं होने देना जब वहां पर वोटिंग होगी तो ये बिल रिजेक्ट हो जाएगा तो ये बिल आगे जाएगा ही नहीं तो फायदा इसका कोई नहीं है लोअर हाउस में वो पास होता रहेगा अपर हाउस में वो चला जाएगा अपर हाउस में वो रिजेक्ट होता जाएगा जब तक वो अपर हाउस में मानेंगे नहीं जब तक सैनिट सैनिटर्स मानेंगे नहीं तब तक ये बिल पास नहीं हो सकता और सैनिटर में सबसे ज्यादा अक्सरियत इस टाइम भी पीटीआई टी की क्योंकि सैनेट में पीटीआई ने वहां पर नहीं उन्होंने इस्तीफे दिए थे वो सिर्फ उन्होंने लोअर हाउस में इस्तीफे दिए थे और सेनेट का इलेक्शन अलहदा होता है और लोअर हाउस का इलेक्शन अलहदा होता है जो एम का इलेक्शन होता है वो अलहदा होता है ये पूरी एक डिटेल वीडियोस पे बन सकती है कि इन पर क्या मामला होते हैं तो ये तो पहली बात तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है जो पीटीआई के लोग हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि जी ये बिल पास हो जाएगा तो नवाज शिफ साहब को रिलीफ मिलेगा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा हाँ तब मिल सकता है कि जब जो सेनेट में भी जीत सके और वैसे तो नहीं लग रहा कि सैनेट में वो जीत सकें क्योंकि एक अभी भी पी के पास है उसके बाद बात की जाए इमरान खान साहब की सारे वो कला से जजिस से बात हुई है सेशन कोर्ट से उन्होंने वही बात कही है कि हम अगली बार आएंगे तो सारे नई अक्सरीत से आएंगे नए सारे प्रोटोकॉल से आएंगे नए मामला से आएंगे और कोशिश करेंगे कि हम बड़ी अक्सरीत से आएँ तो ज़्यादा कोई इस तरह की बात हुई या ज्यादा कोई डिटेल में कोई वजाहत के हिसाब से बात नहीं हुई और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन एक अजीब सी कैफियत में गुसर गुजर चुका हुआ है एक हुकूमत कहती है हकूमत पाकिस्तान कहती है कि इसको तीन महीने डिले किया जाए जो जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो कहते हैं अभी करवाए जाएँ तो पाकिस्तान की जो है ना उसमें फायदा पाकिस्तान का फायदा है वो फायदा ये है कि जनरल इलेक्शन पूरे एक बार करवाए जाएँ दोनों मानते हैं कि एक ही बार करवाए जाएँ लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पहले करवा दिए जाए और जो पी है वो कह रहे हैं हमारी थोड़ी सी जो बची कुछ इज्जत हम कमा सकते हैं वो जहरी बात है वो डिले करके हम इसको थोड़ा सा मामला को सेटल कर सके लेकिन अब वो होगा जो अदालत कहेगी नब्बे दिन के अंदर इलेक्शन करवाना पाकिस्तान के कानून में है अगर ये तोड़ा गया तो पाकिस्तान की यह गवर्नमेंट उन एस्टेब्लिशमेंट्स वो जो जो एमरजेंसी के दिनों की गवर्नमेंट्स थी उनके बरक्स आएगी और उनके साथ गिनी जाएगी पाकिस्तान के फ्यूचर में हर हिस्ट्री में इनका ऐसे नाम लिखा जाएगा जैसे कोई नई खबर आती है हम आपको उसे करते जाएंगे होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा आप अल्लाह हाफिज